गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आनू का बैग बक्सा आनू को छोड़ के आज सीधा मॉर्निंग वॉक के लिए आ गई हूँ। अभी इस टाइम पे घर पे फिर से लौट जाती हूँ ना, तो लेट हो जाता है आते आते। धूप धूप निकल आती है। सब्जी का दुकान अभी अभी खुला है, कुछ सब्जियाँ खरीदेंगे फिर जाएंगे घर। वो देखो सारे स्कूल बसेस इधर उधर, वो है ना वो स्टॉपेज है, दिल्ली पब्लिक स्कूल का है। चलो थोड़ा अच्छा है अभी मौसम, कर लेते हैं मॉर्निंग वॉक। यहाँ की एक स्पेशलिटी है, सबके घर के सामने एक एक पेड़ है, और घर बनाने के टाइम पे ना किसी ने पेड़ को जैसे काटा नहीं है। देखो कितने अच्छे से मेंटेन करके रखा है, अच्छा लगता है मुझे। सी ये जो आप रोड देख रहे हो ना, लंबा सीधा रोड, एकदम डेड एंड बहुत दूर है, तो इसी रोड में मैंने स्कूटी सीखा है। पहले पहले शुरू शुरू में मैं कैसे स्कूटर चलाती थी ना, इसी रोड में आके मुझे याद आ जाती है। एकदम सुबह का टाइम था मेरा, आनू को छोड़ती थी और सटाक से आ जाती थी स्कूटी सीखने के लिए, क्योंकि उसको मैंने सरप्राइज़ दिया था सीखने के बाद। उसको कुछ पता नहीं था, भनक भी नहीं लगा उसको, वो स्कूल चली जाती थी और मैं आ जाती थी। सो इधर आते ही मुझे याद आती है कैसे मैं चलाती थी पहले। सॉरी हाँ, मेरे कुछ दोस्त हैं जो नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाते हैं, तो आप ना ये वाली पोर्शन थोड़ा सा स्किप कर देना। आज मैं बना रही हूँ मटन करी, मटन का रसा, मटन झोल बंगाली में। तो उसके लिए ना ये देखो, मैंने मटन लिया है करीब 700 ग्राम, उसमें ये दही डाल दिया है, और मैं डालूंगी ये पपाया को, रॉ पपाया को ऐसे कद्दूकस कर लिया है, उसको डाल दिया है। इससे मटन ना बहुत सॉफ्ट हो जाता है जल्दी जल्दी। और मैं यहाँ पे डालूंगी हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर डाल दूंगी, रेड चिली पाउडर, और डाल दूंगी नमक। बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से मैरिनेट करके ना मैं रख दूंगी 1 से 2 घंटे के लिए, फिर उसके बाद एकदम एंड में बनाऊंगी। ऐसे इसको मैरिनेट कर लिया है, अभी ना 2 घंटे के लिए छोड़ दूंगी, ढक के रख देती हूँ। बाकी काम करके एकदम साफ सफाई करके फिर आके मतलब करूंगी। अभी 2 घंटा मतलब बहुत टाइम है, तो चलो बाकी का काम कर लेते हैं। आपसे मैं 1 घंटा बाद मिल रही हूँ। घर का पूरा काम कर लिया, नहा के पूजा करने बैठ गई हूँ। मैंने आपको बोला है ना कि घर पे सबसे ज्यादा और इम्पोर्टेंट काम हो जाता है जब मैं नहा लेती हूँ और पूजा कर लेती हूँ। जुगाड़ तो सब करके ही गई थी, अब बस फटाफट बना लूंगी। वैसे मटन बनाने में ना थोड़ा टाइम लगता है। अभी अभी क्या हुआ देखो, मेरा ये जो ट्राइपॉड है ना टूट गया। ये देखो, मैं अच्छे से इसको मतलब गर्दन को ऐसे हिला दिया इसका, और ये पट करके टूट गया। डिजास्टर पूरा सुबह सुबह। ट्राइपॉड तो भेंगे गए। आलू को फ्राई कर लिया है ऐसे, और मटर में ना बड़ा बड़ा पीस ऐसे आलू देने से ना अच्छा लगता है। मेरे पास बस 2 ही बड़े बड़े आलू थे, तो इसलिए 2-2 मिला, बाकी सब छोटा। और हम मटन के झोल में मतलब मटन रसा जब बनाते हैं उस टाइम पे आलू डालते हैं, मटन चिकन कुछ भी हो गया। अभी जो है इसमें गरम मसाला उसमें डालेंगे। ऑनियन ऐसे मैंने कट कर लिया है, रिंग पीस में भी कट कर सकते हो, मैंने ऐसे कट किया है। इसको थोड़ा सा फ्राई करूंगी, फिर इसके बाद जो मैरिनेटेड मटन है वो डाल दूंगी। बस इसको यहाँ पे कर लूंगी गोल्डन फ्राई, और डाल दूंगी मैं मसाला। एक पेस्ट बनाया है मैंने, पेस्ट का कलर देखो एक बार, अच्छे से ग्रीन चिली डाल दिया है, क्योंकि मटन वटन ना थोड़ा सा तीखा तीखा अच्छा लगता है, और आपको तो पता है मुझे तीखा कितना पसंद है। तो अच्छे से ग्रीन चिली डाला है, अदरक थोड़ा सा ज़्यादा करके, लहसुन थोड़ा सा कम, और एक छोटा साइज का प्याज। बस अच्छे से भून लेंगे। अब डाल देंगे बेसिक जो ड्राई स्पाइसेस होता है उसका मिक्स। अब अच्छे से भून के डाल देंगे मैरिनेटेड मटन को, और इसको धीमी आंच में पकने देंगे। और जब तक वो पकेगा तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ। वैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि हमारे घर में कुछ मेहमान आएंगे, उन्होंने अपने दोस्तों को बुलाया है, तो वे लोग आए थे,
और इतने सारे प्लेट्स निकल के आया है तो मैंने सोचा इसको ठीक ठीक जगह पे रख देती हूँ, अदरवाइज़ ये सब काउंटर टॉप है ना वो एकदम भरा हुआ रहता है और मुझे लगी रहती है जल्दी कब मैं ठीक ठीक जगह पे सब कुछ प्लेस करूँ। वैसे आपको लग रहा होगा बाबा कितना टाइम है इनके पास, लेकिन नहीं, अभी बहुत लेट हो चुका है। और जब लेट हो जाता है और आपको हड़बड़ी में काम करना पड़ता है ना, उस टाइम पे दिमाग एकदम शांत रखना पड़ता है। कभी कभी ये किचन जो है ना लगता है गुड्डे गुड़ियों का खेलने वाली जगह है, और कभी कभी तो जंग का मैदान बन जाता है। वैसे आपके साथ बातें करते करते उधर मटन भी एकदम भून चुका है और इसको अभी कुछ नहीं करना है, प्रेशर कुकर में डालना है, 7 से 8 सीटी लगा देना है, आराम से बस हो जाएगा। वैसे आज लेट बहुत हो चुका है, बीच में 3-4 बार वो भी आ चुके हैं किचन में। दूसरे दिन तो मैं उनको बोलती हूँ अरे जाओ नहाने जाओ जल्दी जल्दी, आज कुछ नहीं बोल रही हूँ, इसलिए बेचारे वो ही आ गए किचन में और सोच रहे हैं आज रूपा को हो क्या गया है। ये देखो कुछ खीर बचा है, अभी तीनों में ये बटेगा, मेरा, आनू का और उनका। बाकी रत्ना के लिए भी मैंने पैक करके दे दिया है, उसको मेरे हाथ का बना हुआ खीर बहुत पसंद है। जो कलर आया है ना ये देखो, गर्मा गर्म एकदम, अभी भी बॉयल हो रहा है देखो धीरे धीरे। सो जस्ट अभी अभी इसको निकाल लिया है, अभी कर लेते हैं लंच। कौन है, क्या हुआ मनु? अपना आपका दिन कैसा रहा आज का? तेज हवा चल रही है आज, लेकिन धूप है। ब्लेजर पहन के गर्मी तो नहीं लगती? नहीं, मुझे ब्लेजर अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, वो साल किसी ने पहना नहीं था ना, तो अभी ग्रुप में देख रही हूँ सब ऑर्डर दे रहे हैं ब्लेजर का, किसी का छोटा हो गया, किसी को मिल नहीं रहा है, कितना कुछ चल रहा है। और ये आनू का बहुत पहले का है, आनू 5th स्टैंडर्ड का है ना, तब बड़ा लिया था, इतना बड़ा लिया था मैंने, आनू बहुत गुस्सा होती, 6 का है, बड़ा लिया था, बहुत ज्यादा बड़ा, आनू ढक जाती थी, घुटने तक आ जाता था ये। चलो थोड़ा सा फ्रेश हो लो, फिर खाना खिला देती हूँ। आज आपके लिए क्या बना पता है? क्या? मटन करी एंड राइस। मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, क्या बता रही हूँ मुझे। क्यों नहीं खाएगी? नहीं तो सूंघेगी भी नहीं, खाना नहीं। मटन बिल्कुल पसंद नहीं करती, देखना भी नहीं चाहती है, ना सूंघना चाहती है ना देखना चाहती है। हमने बहुत बार कोशिश किया था लेकिन वो खाना चाहती नहीं है, उसको बस दाल और सब्जी बनाया है वही दूंगी मैं अभी। कौन सी सब्जी? भिंडी की सब्जी, 2 दिन से ऐसे बारिश 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 बारिश, अभी धूप अच्छा लग रहा है। चलो मैं उसका खाना गर्म करती हूँ। ऐसे एक चुंगो खाई क्या ना सुना? हमने खाया क्या? आनू खा रही है दाल राइस और अपने पापा का बर्थडे वाला खीर। ठीक है, बस ये है दिन की सबसे आराम वाली टाइम, सबसे सुकून भरा, आनू के पास बैठ जाना और उसके साथ बक बक करना और उसको चिराना, और क्या। लाइब्रेरी से ये सब बुक लेके आई है, अभी रखा क्यों नहीं है? इधर टिनटिन, ये एस्टेरिक्स। आनू को एकदम धक्का लगा लगा के लेके आई हूँ साइकिलिंग के लिए, और उसके साथ पीहू भी आई है। पीहू एक्चुअली उसके साथ नई ज्वाइन की है हमारी बिल्डिंग में, हमारी फ्रेंड। चल बच्चे मस्त खेलने में बिजी है, मैं थक के बैठ गई हूँ इधर। उधर देखो दोनों को फ्रेंड, ये लोग भी आपस में मिल रहे हैं, देखो देखो कैसे। आज आनू को न्यू वाला कप मिला है, गरम है, पूरा बानी बानी सज के बैठी है आज। गुड, इट्स हॉट। स्टडी टाइम, किताब खोलने में ही डर लग रहा है,
इतना ज़्यादा टफ और इतना ज़्यादा पोर्शन है ना, कभी कभी लगता है दोनों तरफ से आनू को दबा के फिर से छोटा बना दूँ, फिर से फर्स्ट स्टैंडर्ड में भर्ती कर दूँ उसको। आहाना अपना पढ़ाई कर रही है, क्या करूँ अभी, उसको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है ना, टाइम भी ऐसा है, 9th स्टैंडर्ड हो गया है तो पूरा इवनिंग जो है उसकी पढ़ाई में ही चला जाता है। और कुछ टाइम निकाल के मैंने कल के लिए सब्जियां कट कर लिया है, मुझे भी टाइम देख देख के सब्जी का करना पड़ता है कि इसी टाइम के अंदर मुझे सब कंप्लीट करना पड़ेगा। ये देखो कल एक मिक्स वेज बनाऊंगी, उसके लिए सारी सब्जियां जो मेरी फ्रिज में था थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ यहाँ पे है। ऊपर आलू है बट नीचे बहुत सारी सब्जियां है, वो ढक गया है। यहाँ पे करेला फ्राई करूंगी, यहाँ पे है आनू की स्कूल में रोटी के साथ ये देना है आलू और भिंडी की भाजी, और यहाँ पे परवल को फ्राई करना है, और यहाँ पे कुछ बॉईल करूँगी ये है। और रात के लिए खाना आज कुछ बनाऊंगी नहीं, मटन बना हुआ है हम दोनों के लिए, और आनू खाएगी एकदम बॉईल राइस उसके साथ अंडा, और उसके साथ खाएगी बटर, बस वो और कुछ नहीं खाएगी। हो गया इतना ही, और किचन में मेरा कुछ काम है नहीं, ठीक है। एकदम डिनर विनर करूंगी और उसके बाद आनू के साथ थोड़ा सा बैठती हूँ जाके, उसका एग्जाम भी नज़दीक आने वाली है ना, ठीक है। बाय बाय। चीज़ दिखाती हूँ, ये देखो फ्रेंच हार्ट्स जो मैंने आधा खा लिया, ये देखो ये बहुत अच्छा है, आप ये ट्राई कर सकते हो, शुगर से एकदम लथपथ है। ये देखो एक आ गया है खाने के लिए। तू ये खा के खत्म कर रही है, बीच बीच में आके बाबू, बहुत अच्छा है, आप ट्राई कर सकते हो। ओके, ये है बेक्ड रसगुल्ला, आज रात का हमारा डेजर्ट यही है। चलो देखते हैं खा के कैसा है। कोलकाता में तो हमने खाए थे, यहाँ का एक बार ट्राई करके देखते हैं।